इन चूतियों को ना, इन सालों को इन अ गुड वे पैसे खर्चने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। इंट्रा वर्कआउट BCAA, इंट्रा वर्कआउट EAA, टैंक बताऊंगा तो बोला ओह नो 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 टैंक सस्ता है, ऐसे कैसे हो सकता है, टैंक पे वीडियो बनाओगे। अब यू नो व्हाट, टैंक नहीं ले सकते तो फकिंग ट्राई ग्लूकॉन डी। मम देख ही रहे हो ना, वर्कआउट के बीच का देख रहे हो यार, दिखाऊं ये पता है कैसे आता है, यहाँ से भी आता है और यूं सीधा अंदर जाता है ग्लूकॉन डी के साथ। जोक्स अपार्ट, इट एक्चुअली हेल्प्स यू विद योर वर्कआउट। इंट्रा वर्कआउट ओनली, कैसे यश भैया बता दो। इंट्रा वर्कआउट आपको हेल्प करेगा। और ये ऑक्सीजन क्या EAA BCAA से थोड़ी आएगी, ठीक है वो भी ले सकते हो, लेकिन इसका रोल बिल्कुल अलग है। थोड़ी सी शुगर होती है डेफिनेटली इसमें, जो आपको हेल्प करेगी आपके कॉन्ट्रैक्शंस में और आपके फटीग में, जो खत्म हो जाती है एनर्जी, और जो आप डबल मसल पार्ट करते हो, चेस्ट, बाइसेप, बैक, ट्राइसेप, कुछ भी स्प्लिट, तो एक खत्म करने के बाद आपका पंप ही खत्म हो जाता है अगर आप ये नहीं लोगे तो। बॉडी में शुगर जैसे ही कम होगा आपकी में, तो आपका एक जगह दो बॉडी पार्ट करते हो तो पंप खत्म हो जाएगा, राइट। तो उस पंप को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए यू नीड ग्लूकॉन डी। ट्राई कर लेना, नहीं तो गूगल बाबा तो है ही, नहीं तो गूगल कर लेना, इफ नथिंग एल्स हु केयर्स।